इस मूवी की शुरुआत में हम नोरा और उसके फादर को देखते हैं जो एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई पे जाने के बाद उन्हें ट्रोल्स की पहाड़ियां नजर आती है। फिर नोरा के फादर नोरा से एक कहानी के बारे में पूछते हैं जो उसे वो बचपन में सुनाया करते थे। वो कहानी थी कि कैसे 13 लोग एक शादी में दारू पीकर अनजाने में सूरज की रोशनी में आ जाते हैं और वो देखते ही देखते मिट्टी और पहाड़ बन जाते हैं। नोरा के फादर का ये मानना था कि वो ट्रोल्स आज भी इन पहाड़ियों में मौजूद हैं। ट्रोल्स दिखने में तो इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन वो 40-50 फुट लंबे होते हैं और वो मिट्टी और पत्थरों के बने होते हैं और वो सूरज की रोशनी में कभी नहीं आते। अगर उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन नोरा को इन कहानियों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि कहानियां कभी सत्य नहीं होती। नोरा के फादर नोरा से बोलते हैं कि ट्रोल्स की पहाड़ियों को तुम विश्वास करके देखो, दिल की नजर से देखो, तुम्हें कुछ नजर आएगा। फिर नोरा ट्रोल्स की पहाड़ियों को बड़े विश्वास से गौर से देखती है तो उसे कुछ नजर आता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। अब नोरा पूरी तरह बड़ी हो गई है और वो एक प्रोफेसर बन गई है और वो डायनासोर की हड्डियों को खोजने का काम करती है और आज भी वो डायनासोर की हड्डियां खोज रही होती है। तभी उसके टीम का एक मेंबर नोरा के पास में आता है और नोरा को यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग काफी टाइम से उस जगह पर डायनासोर की हड्डियां खोज रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं मिली। लेकिन नोरा को ये विश्वास था कि वो डायनासोर की हड्डी खोज लेगी और वो पूरे विश्वास से अपने काम में लगी रहती है और फाइनली उसको डायनासोर की एक हड्डी मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कुछ इंजीनियर्स डेवोरा नाम की जगह में स्थित पहाड़ियों को तोड़ रहे होते हैं क्योंकि सरकार वहां पर रेलवे का कुछ काम करना चाहती थी और वहां के लोग इस पहाड़ी को तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन इंजीनियर्स उन लोगों की बातों को इग्नोर करके पहाड़ियों में बॉम्ब लगाकर पहाड़ियों को उड़ा देते हैं। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह चौंक जाते हैं। दरअसल वो एक ट्रोल था जो उस पहाड़ी में छुपा हुआ था एंड वहां पर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है और ये बात सीधा सरकार के पास पहुंचती है। फिर कुछ टाइम बाद नॉर्वे की जो पीएम होती है जिसके कहने पर ये रेलवे का काम चल रहा था उस तक ये बात पहुंचती है। फिर सरकार के द्वारा उस जगह पर काफी सारी रिसर्च की टीम भेजी जाती है जो ये पता लगा सके कि वो आखिर कौन था, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर पीएम अपने एडवाइजर को ये ऑर्डर देती है कि वो किसी एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को लेकर आए जो ये पता लगा सके कि ये आखिर कौन था। एंड फाइनली नोरा को पीएम के ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे फोटोज और वीडियोस के जरिए पूरी कहानी बताई जाती है। फिर नोरा उस जगह पर खुद जाती है अपने तरीके से रिसर्च करने, लेकिन नोरा को भी वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फाइनली अपने फादर के पास में जाती है। वो अपने फादर से काफी टाइम से अलग रह रही होती है क्योंकि उसके फादर हमेशा ट्रोल्स की बातें करते थे और नोरा इन बातों से पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। तभी वो अपने फादर से अलग रह रही थी। फिर वो अपने फादर से मिलके सारी बातें बताती है और कुछ सबूत भी दिखाती है जिसे देखने के बाद में उसके फादर को पूरा पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ट्रोल्स है। लेकिन जब नोरा के फादर नोरा को वापस दोबारा से ट्रोल्स के बारे में बताने लगते हैं तो एक बार फिर से नोरा इरिटेट हो जाती है। फिर वह सभी लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रोल्स के पैरों के निशान ढूंढने निकल पड़ते हैं। उस हेलीकॉप्टर में नोरा के फादर नोरा एक पीएम का एडवाइजर और एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। तभी नोरा के फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करवाता है एंड वहां पर जाकर रिसर्च करने लगता है। थोड़ी देर बाद में नोरा भी अपने फादर के पास में चली जाती है। फिर उसके फादर को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है जिसको लेकर वो बात करने लगते हैं। तभी नोरा को वहां पर वो ट्रोल्स नजर आ जाता है जो वहां पर लेटा हुआ था एंड उन दोनों की बातें सुनकर ट्रोल्स जाग जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। बड़ी मुश्किलों से वो अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर सीधा मिलिट्री कैंप चले जाते हैं। फिर नोरा वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पीएम से बातें करती है। नोरा पीएम से कुछ और वक्त मांगती है ये पता लगाने के लिए कि वो आखिर कौन था, क्योंकि नोरा को अभी भी ये यकीन नहीं था कि वो ट्रोल्स है। लेकिन पीएम नोरा की बात को इग्नोर करके उसको टाइम
ट्रेनिंग देने से मना कर देती है और आर्मी को ये ऑर्डर दे देती है कि आर्मी अब उस ट्रोल को हैंडल करे। फिर काफी सारी आर्मी जगह जगह जंगलों में छुप जाती है हथियार लेकर, और वो लोग ट्रोल्स का इंतजार करने लगते हैं कि जैसे ही ट्रोल्स आए ये लोग उस पर हमला कर सके। थोड़ी देर बाद फाइनली ट्रोल्स आ जाता है और आर्मी ऑफिसर्स बुरी तरह उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ट्रोल्स को इतनी बुरी तरह हमले के बाद भी कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा और वो भड़क जाता है। जब वो भड़क जाता है तो सभी आर्मी ऑफिसर्स अपनी जान बचाने लगते हैं, सब जगह जगह छुप जाते हैं। फिर नोरा के फादर सामने आकर उस ट्रोल को शांत कर देते हैं। जैसे ट्रोल थोड़ा सा शांत होता है तो पीछे से आर्मी चोरी से हमला कर देती है, तो ट्रोल्स को ऐसा लगता है कि नोरा के फादर की ये सब चाल है। फिर ट्रोल नोरा के फादर को उठाकर इतनी ऊपर से फेंकता है कि उसके फादर की ऑन द स्पॉट जान चली जाती है। लेकिन नोरा के फादर मरते टाइम नोरा को एक प्लेस और एक आदमी के बारे में बता जाते हैं। वो मरते टाइम एक रॉयल पैलेस का जिक्र करते हैं। उनकी मौत से नोरा सदमे में चली जाती है और एक कमरे में बैठकर पुरानी फोटोस देख रही होती है। तभी उसे उसके फादर की एक पुरानी बुक नजर आती है, जिस बुक में उसे मालूम पड़ता है कि ट्रोल्स पुराने जमाने में चर्च के ऊपर पत्थर फेंका करते थे क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज उन्हें चुभती थी। फिर ये बात वो जाकर पीएम को बताती है एंड फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पब्लिक प्लेस में ट्रोल्स आ जाता है और वहां पर पूरा माहौल बिगड़ जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहां पर आर्मी ऑफिसर बड़े बड़े घंटों को हेलीकॉप्टर में बांध कर आ जाते हैं और ट्रोल्स को चारों तरफ घेर कर उन घंटों को बजाने लगते हैं। उन घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल्स बेकाबू हो जाता है और फिर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। ये प्लान फेल होने के बाद में वहां की पीएम नोरा को इस मिशन से निकाल देती है और किसी कारण पीएम का एडवाइजर खुद ही जॉब से निकल जाता है और वो भी नोरा के साथ में चला जाता है। अब ट्रोल धीरे धीरे ओस्लो नाम के एक शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और इस बात की टेंशन पीएम और उनके अधिकारियों को हो रही होती है। फिर वो एक फैसला लेते हैं। वो लोग फैसला लेते हैं कि वो लोग ओस्लो शहर को पूरी तरह रातों रात खाली करवा देंगे ताकि ट्रोल से लड़ने में आसानी हो और किसी भी पब्लिक की जान ना जाए। फिर इस बात की सूचना न्यूज में लाइव आकर प्रधानमंत्री सबको देती है और रातों रात ओस्लो शहर को पूरी तरह खाली करवा लिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कार के अंदर में नोरा बैठी होती है और उसके साथ में पीएम का एडवाइजर भी बैठा होता है। तभी नोरा को अपने फादर की लास्ट बात याद आ जाती है और वो गाड़ी को रॉयल पैलेस की तरफ ले जाते हैं। फिर रॉयल पैलेस में उन्हें एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो नोरा के फादर का दोस्त हुआ करता था। फिर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स की हड्डियाँ पड़ी होती है। फिर नोरा को वहाँ पर पता चलता है कि बहुत साल पहले नॉर्वे के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ट्रोल्स को जान से मार दिया था। उन्होंने सिर्फ एक ट्रोल्स के बच्चे को छोड़ा था और उसे वो डोवरा की पहाड़ियों में छोड़ाए थे और वो बच्चा यही ट्रोल है जो इस टाइम शहर में तबाही मचा रहा था। फिर नोरा एक प्लान बनाती है और इस प्लान के बारे में आर्मी ऑफिसर क्रिस को भी बताती है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो ट्रोल को जैसे तैसे करके एक बड़े से ग्राउंड में ले आएगी और वहां पर उसे आर्मी ऑफिसर्स की मदद से बड़े बड़े लाइट्स को चारों तरफ से दिखाया जाएगा जिसके वजह से वो तबाह हो जाएगा क्योंकि ट्रोल्स रोशनी में आने से तबाह हो जाते हैं। फिर नोरा अपनी गाड़ी के पीछे एक बड़े से ट्रोल की हड्डी बांध लेती है एंड उस जीवित ट्रोल के सामने चली जाती है। फिर जैसे उस ट्रोल की नजर उस हड्डी के ऊपर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये मेरे पूर्वज की हड्डी है एंड वो उस हड्डी को लेने के लिए उस कार को फॉलो करने लगता है। फिर बड़ी मुश्किलों में जैसे तैसे करके उस ट्रोल को नोरा उस ग्राउंड में ले आती है और वहां पर पहले से ही मौजूद आर्मी ऑफिसर बड़े बड़े लाइटों को ऑन कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में ही ट्रोल को तकलीफ होने लगती है और सरकार कोई भी एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि उनके सिस्टम को हैक कर लिया गया था और वो हैक पीएम के एडवाइजर ने अपने एक दोस्त से करवाया था। फिर धीरे धीरे लाइट्स की मदद से ट्रोल तबाह होने लगता है और ये बात नोरा को अच्छी नहीं लगती। उसको ऐसा लगता है कि हम लोग उसकी जान ले रहे हैं। फिर वो सभी लाइट्स को बंद करवाती है और ट्रोल के सामने जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसकी जान चली जाएगी। तभी थोड़ी देर में सूरज भी उगने लगता है और सूरज की रोशनी पड़ते ही ट्रोल पूरी तरह तबाह हो जाता है
और वहीं पर पिघलकर गिर जाता है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।